बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें इंग्लिश 5 से 7 का लेक्चर नंबर 1। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इसके बारे में कि 5 से 7 का लेक्चर्स अपलोड करूं, तो इसमें जो है मैं आपको इसमें ओवरव्यू सारा बता दूंगी कि क्या क्या है इसमें चीज़ें, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए इसके बारे में, बुक के बारे में। ठीक है, अब लेक्चर 1 है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसका हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन टू द कोर्स 1। अब पार्ट 1 इसका दिया गया है। इसमें पार्ट 1 में सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। और अब इसका टॉपिक 1 है, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। अब कोर्स हमारा जो है उसका नाम है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। अब फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी ये जो दोनों हैं, ये आपके साउंड के रिलेटेड हैं। साउंड्स किसकी? वर्ड्स की साउंड, अल्फ़ाबेट्स की साउंड, उससे रिलेटेड है ये सारी, ठीक है। जो भी हम लोग वर्ड्स की साउंड प्रोनाउंस करते हैं वो हम उसमें फोनोलॉजी में करते हैं, ठीक है। और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो फोनेटिक्स है। फोनोलॉजी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो फोनेटिक्स है, ठीक है। अब इसमें यही बताया गया है कि आपको इस कोर्स में फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, और इसके अलावा इस कोर्स में आपको फोकस किया जाएगा लिंग्विस्टिक्स के ऊपर। अब लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? लिंग्विस्टिक होती है किसी भी लैंग्विस्टिक होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है उसकी साइंटिफिक स्टडी करना, उसको देखना कि वो कहाँ से आई है और कैसे मार्ज वजूद में आई है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना, उसके वर्ड्स के मुतालिक स्टडी करना। तो ये सारी चीज़ें जो भी साइंटिफिकली उस पर वर्क किया जाता है, साइंटिफिकली जज किया जाता है, उसको हम जो है वो लैंग्विस्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उस लैंग्वेज के बारे में, उसको लैंग्विस्टिक कहते हैं। और उसके एनालाइज़ किया जाता है उसमें, और स्पीच साउंड को एनालाइज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बताया हुआ कि फोनोलॉजी जो होता है वो आपका एक मेन पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का और किसी भी वर्ड का, ठीक है। कोई भी चीज़ प्रोनाउंस करने का मेन वर्ड जो होता है वो एक आपका फोनोलॉजी होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो होते हैं बाज़ूकात अपने फोनेटिक्स के अंदर जो भी चीज़ें साउंड्स वगैरह मुतलिक आ रही होती हैं उसको प्रोनाउंस करने में काफ़ी गड़बड़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आगे इंट्रोडक्शन टू कोर्स वाई स्टडी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। हम स्टडी क्यों करते हैं फोनेटिक्स को और फोनोलॉजी को? अब इन अ वेरी सिंपल सेंस, बहुत सिंपल सेंस में, लैंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्विस्टिक है जिसमें मैंने बताया साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेज के बारे में, कि आपने उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना होता है, हाउ इज़ पुट टुगेदर एंड हाउ इट फंक्शंस, कि किस तरह हम लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ पुट करते हैं, वर्ड्स को एक दूसरे के साथ पुट करते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं, और उसका क्या फंक्शन होता है आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज कंपोनेंट मेक अप लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारे आप इजी वर्ड में कह सकते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं वो आपस में मिलके एक बिल्डिंग बना लेते हैं, इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलके वो आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं, आपकी लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साउंड्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड सम टाइम्स वेन दिस हैपन्स दे चेंज देयर फॉर्म्स एंड डू इंटरेस्टिंग थिंग्स फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। मिसाल के तौर पर आपके पास साउंड्स होती हैं आपस में मिलती हैं बहुत सारी, ठीक है, और ऐसी साउंड्स भी होती हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं कुछ चीज़ों को, और इस तरह म्यूज़िक जैसे म्यूज़िक वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग बना देती हैं और आपको जो है वो पसंद आने लग जाती हैं। अगर वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर एंड एंडिंग वर्ड्स चेंज एंड एडजस्ट मीनिंग मॉर्फोलॉजी, अच्छे भी सिंटैक्स का बताया हुआ है, वर्ड्स आर अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर, जो वर्ड्स दिए होते हैं उनको आप सही ऑर्डर में सही तरतीब में एक में जो है वो प्लेस करते हो, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें होती हैं सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक। तो इसमें जो है वो आपने इसको ऑर्डर को अगर आप ठीक करेंगे वो आपका सिंटैक्स में आ जाएगा। और इसके बताया हुआ है मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी आपके पास होता है स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड वी डिस्कस, जैसे सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस, ठीक है, कोई भी रूट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मॉर्फोलॉजी में आती हैं, कि हम इनको मॉर्फोलॉजी में करते हैं, उनका स्ट्रक्चर वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जैसे हम कोई भी प्रीफिक्स लगा के मायने चेंज कर देते हैं वर्ड्स का, और या सुफिक्सेस लगा के मायने चेंज कर देते हैं वर्ड्स का, तो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आता है, ठीक है, कि आपका वर्ड तो सेम ही होता है, ठीक है। जैसे बटर और फ्लाई, अब बटर तो आपके पास एक
प्रॉपर एक मीनिंग दे रहा है आपको, लेकिन आप उसके बाद उसका सफिक्सेस लगा देंगे FLY, तो आपका एक पूरा जो ओवरऑल वर्ड का मीनिंग होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो होता है वो हमारे पास होता है कि किस तरह एक लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल, कोई भी स्पीकर जो होता है वो एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, जो स्पीकर होता है वो सेंटेंसेस का यूज़ कर रहा होता है, उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम प्रैग्मेटिक्स में करते हैं, ठीक है। और किस तरह हेयर जो होता है वो जो सुनने वाला होता है उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है, उस बात को अंडरस्टैंड कर लेता है, तो ये सारा चीज़ें हम प्रैग्मेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें प्रैग्मेटिक्स में दूसरे अल्फाज में भी आप ये भी कह सकते हैं, जो भी हमने सेंटेंस बनाया होता है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना होता है, ठीक है, उसके मीनिंग को किस तरह हमने लिया है, उसके सेंटेंस को स्ट्रक्चर उसका क्या कैसे है, ग्रामेटिकली कैसे है, तो वो सारी चीज़ें उसमें प्रैग्मेटिक्स में हमने देखनी होती है। सो लाइक अदर ब्रांचेज एज सेंटेंस मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लैंग्वेज वी डील विद द ह्यूमन स्पीच साउंड्स, ठीक है। ये सारी ब्रांचेज हैं आपकी लैंग्विस्टिक की जो है वो मैंने अभी डिफाइन की, सेंटेंस मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, फोनेटिक्स सारी, ठीक है। और ये जो है वो स्पीच से रिलेटेड होती है, स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन स्पीच साउंड सच एज वॉवल्स। अच्छा, इसमें अब वॉवल्स आपके जो होते हैं उनको भी आपने स्टडी करना होता है, और उनकी भी टाइप्स होती हैं, मोनोफोन्स होते हैं, डिफ्थोन्स होते हैं और ट्राइफोन्स होते हैं, ये वॉवल्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। और इसमें अब उसके बाद हमारे पास ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फोकस लैंग्वेज इंग्लिश कि कैसे फोकस करते हैं इंग्लिश के ऊपर। द फोकस लैंग्वेज फॉर द कोर्स इज इंग्लिश, हाउएवर एग्जांपल फ्रॉम लोकल लैंग्वेज में आल्सो बी गिवन फॉर कंपैरिजन वेयर नेसेसरी बेस्ड ऑन द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये बात है कि जो भी आपकी लैंग्वेज के लिए फोकस होता है वो इंग्लिश होती है, ठीक है, क्योंकि मिसाल के तौर पर जो भी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें आप किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा ग्रामर भी नहीं मिलेगा और उसमें आपको कोई रूल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, और इस लिहाज से और वो ज़्यादा जो होगी उसको जो है वो कंपैरिजन नहीं आप कर सकते कि ये गलत है वर्ड या ठीक है, और अगर कोई सेंटेंस बोला गया है वो गलत बोला गया है या ठीक बोला गया, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स का, टेंसेस का और उसकी प्रपोजिशन का और एडजेक्टिव से वर्ब ऑब्जेक्टिव हर चीज़ का हम लोग जो है वो ध्यान रख रहे होते हैं और रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग हर चीज़ को लेके चल रहे होते हैं, तो जो भी लोकल लैंग्वेज होती हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। विच ऑन द रिसीवर पंक्चुएशन और सबसे बड़ी इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। ब्रिटिश असिस्टेंट ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश साउंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन ग्रेटर कवरिंग द फ्यूचर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। वही बात है कि इसमें आप कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, साउंड का बेहतर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वॉवल्स का, डिफ्थोंग्स का, ठीक है, ये इन सब चीज़ों का आप इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं दूसरों को बात अंडरस्टैंड करवाने के लिए। और कुछ लोग आगे हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, अब इसका एम क्या है, अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन साउंड्स इज कैसे ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह एक जो है वो सेंटेंस बना रहे होते हैं, किस तरह वर्ड्स आपस में कंबाइन करके मीनिंगफुल सेंटेंस जनरेट कर रहे होते हैं, किस तरह चीज़ों के ऊपर डिटेल दे रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रीड करते हैं। अब हमारा एवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर द कोर्स कि इसमें कोर्स में आपको GDB वगैरह दी जाती है, सेमेंटिक क्विज़, ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे इंट्रोडक्शन टू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, अब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपका उसके इंट्रोडक्शन है। ह्यूमन साउंड डिवाइडेड टू ब्रॉड कैटेगरी, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, ठीक है, दो कैटेगरीज होती हैं, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स की होती हैं। कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच साउंड इन विच एयर इज एट लीस्ट पार्शियली ब्लॉक्ड, वेयर वॉवल्स इज साउंड इन विच। अच्छा, इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं ऐसे अल्फाज होते हैं, हमने अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जो AEI और U मतलब वॉवल्स साउंड्स के अलावा जितनी भी साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ अपने जहन में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, बट इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो चीज़ है वो ये है कि जब भी कोई साउंड बोल रहे होते हैं, ठीक है, आपकी जब एयर आपके हल्क में थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है ना, वो आपका होता है वॉवल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। आप कोई भी लफ्ज़ है जैसे T, Y,
वाई। अगर आप इस तरह साउंड को प्रोनाउंस करके देखें तो आपके एक हल्क में थोड़ी सी जो है वो एक एयर जो होती है वो ब्लॉक होती है, ठीक है, एक थोड़ा सा रुक के फिर आप बोलते हैं, अगर आप नोटिस करें इस बात को, तो वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स अल्फाज, ठीक है, जैसे वी वी, ठीक है, वी ऐसे, और डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे, थोड़ा सा आपके जो है वो एक ब्लॉकी रहती है आपके हल्क में, और उसके बाद आप प्रोनाउंस करते हैं पूरा वर्ड, तो उसमें वो वर्ड्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और जबकि जो वाउल्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपके एयर का कोई ब्लॉक नहीं होता, आप उसे अपने वर्ड को एक रिदम में जो है वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। एयर पास थ्रू द कैविटी फ्रीली, अब एयर आपकी जो होती है वो कैविटी से पास थ्रो हो रही होती है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो इस तरह आपकी जो इसमें वर्ड्स में जब भी आप इसमें देखेंगे तो आपकी जो भी एक एयर होती है वो आपकी पास हो रही होती है कैविटी के थ्रू, ठीक है। आगे हमारे पास दिया हुआ है, मोर ओवर कॉन्सोनेंट इज क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द प्लेसेस एंड मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वॉइस, एज अ वोवल इज क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ, अच्छा कॉन्सोनेंट जो क्लासिफाई किए जाते हैं वो प्लेसेस की और मैनर्स की, उसमें क्लासिफाइड किए जाते हैं जगह पे और उसके मैनर्स के, ठीक है, आर्टिकुलेशन एंड जो वॉइसिंग, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वॉइसिंग और वॉइसिंग के तौर पे इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। और वेयर अ वोवल इज क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ द पोजिशन ऑफ टंग, आप पोजिशन ऑफ टंग की मदद से इसको क्लासीफाई करते हैं, द पार्ट ऑफ टंग एंड लिप राउंडिंग, इसमें क्या होता है वॉल्स में आपका जो पार्ट होता है टंग और लिप का, ठीक है, ये दोनों आपके राउंड होते हैं, जब भी आप कोई वॉवल साउंड बोलते हैं वो ये राउंड होते हैं। वर्ड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्योर वॉवल्स, इसमें जो है वो प्योर वॉवल्स का नाम जो मोथ ऑफ थोंग्स होते हैं एंड डाइप थोंग्स होते हैं। फर्दर रीडिंग इन द सेक्शन, अच्छा फर्दर रीडिंग के लिए आपको ये लिंक दिया गया है, इसमें आप कर सकते हैं, और ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को समझना है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। वॉवल्स लफ्ज आपके होते हैं जिसमें आपकी एयर पास होती है कैविटी से, ठीक है, इसमें आप, और कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें आप एक थोड़ा सा जो है वो ब्लॉक होते हैं एयर का आपके हल्क के अंदर, ठीक है, तो उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ये आपने लाजमी ये चीज़ें याद रखनी है, लेक्चर की समझ आई होगी, बाकी आपने इसमें सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और फोनोलॉजी, जो भी इसमें सिंटैक्सेस वगैरह दिए हुए हैं उसके बारे में आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, वो भी मैंने डिफाइन कर दी है वो क्या होते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और बाकी ये सारा इंट्रोडक्शन ही था और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का फ़ायदा उसके मुझे दे।